हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 13 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले सवाल है, विद रेफरेंस टू द नाइट्रोजन साइकिल द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में जो ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में, वो इनमें से कौन सी प्रोसेस में होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। तो इसको ट्राई ज़रूर करेगा कि क्या इसका आंसर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, नाइट्रिफिकेशन। याद रखिएगा, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम टू नाइट्राइट, फॉलोड बाय एन ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट। एंड नाइट्रिफिकेशन एक एरोबिक प्रोसेस होती है। इसके अलावा असिमिलेशन जो था वो था नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और एमोनियम आर टेकन अप बाय द सॉइल्स यूजिंग प्लांट्स एंड ऑल, तो ये असिमिलेशन की प्रोसेस में होता है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और व्हेन एनिमल्स एमिट वेस्ट द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक मैटर री इंटर्स द सॉइल वेर इट इज ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज डिकम्पोजर्स एंड दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस अमोनिया विच इज देन अवेलेबल फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो अमोनिफिकेशन इज एक्चुअली अमोनिया का प्रोडक्शन बाय फ्रॉम द डेड एनिमल प्लांट्स, ये सबसे जो निकलता है अमोनिफिकेशन है। एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज नाइट्रोजन मेक्स इट्स वे बैक इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है गैशियस नाइट्रोजन में, तो नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू गैशियस नाइट्रोजन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। दूसरा सवाल है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट, तीसरा है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1, 2, 3। बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 एंड 3। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, पाइनियर स्पीशीज फिर कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती है, फाइनली इक्विलिब्रियम का स्टेट रीच करता है। तो नई स्पीशीज जो बनती है उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, ऑब्वियसली बात है नई स्पीशीज बन रही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। नीश डेवलपमेंट लिख रहा है, डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट। अब नीश डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जैसे स्पीशीज बनती जाएंगी वैसे वैसे नीश डेवलपमेंट होगा। तो अगर सक्सेशन हो रहा है तो नई स्पीशीज बन रही है और नई स्पीशीज बन रही तो नीश डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, तो सेकंड इसलिए गलत हो जाएगा। और नई स्पीशीज बनेगी तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी कि नहीं होगी, यस फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी, इसी कारण से तीसरा सही है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वाटर, सेकंड है डीकम्पोजर, थर्ड है सॉइल एंड फोर्थ है नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फर्स्ट इज वाटर, ये एबायोटिक होता है, सेकंड इज डीकम्पोजर, ये बायोटिक होता है, सॉइल इज एबायोटिक अगेन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इज बायोटिक अगेन। तो 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहली न्यूज़ है बालिकातन ड्रिल्स। अब याद रखिएगा, बालिकातन ड्रिल्स अगर आपसे कोई पूछे तो ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस। तो ये बालिकातन का जो मतलब है, इट मीन्स शोल्डर टू शोल्डर रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन USA एंड फिलीपींस। एक्चुअली इसका रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ चाइना सी में आप सबको पता है कि फिलीपींस और चाइना का डिस्प्यूट है और अमेरिका और चाइना ऑलरेडी डिस्प्यूट में रहते हैं हमेशा। इस कारण से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच की ये शोल्डर टू शोल्डर एक्सरसाइज है जिसका नाम है बालिकातन ड्रिल्स। दूसरी जो न्यूज़ है वो है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था 2021-22 का भी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-22 का रिलीज़ किया गया है एंड इट वाज रिलीज्ड इन द मीटिंग ऑफ स्टेट्स एंड ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखिएगा वो रिलीज़ करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी
प्लस अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये AEEE बोलते हैं इसको, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और उसके साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी जो है ये आपका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज करते हैं। कौन कौन रिलीज करते हैं? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। अब ये असेस करते हैं अलग अलग स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, इन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन का क्या किया गया, स्टेट्स में कितनी प्रायोरिटी दी गई उसके बेसिस पे किया जाता है। और उसमें लगभग 50 इंडिकेटर्स हैं जो लिए गए हैं। 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, ये फ्रंट रनर कैटेगरी में है, और 4 स्टेट्स असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब अचीवर कैटेगरी में हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम एंड चंडीगढ़ आर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन वेरियस रेस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शूड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन द लास्ट इंडेक्स, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश सबसे वही। देखो ये तो नहीं पूछेगा कि कौन से फ्रंट रनर थे, कौन से अचीवर थे, ये ज़रूर पूछ सकता है कि कौन निकालता है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी याद रखना और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी याद रखना। अगला है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अब न्यूज़ में था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या फिर इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेलफास्ट एग्रीमेंट बोलते हैं। हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट है जो कि सेक्टेरियन वायलेंस जो था नॉर्दर्न आयरलैंड का, सेक्टोरियन वायलेंस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड याद रखिएगा, सेक्टेरियन वायलेंस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको द ट्रबल्स, इस समय को द ट्रबल्स कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन वाले टाइम पीरियड में, और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1998 में, याद रखिएगा 25 साल पहले, 1998 10 अप्रैल को साइन किया गया था, तो 25 साल हो गए हैं बेलफास्ट एग्रीमेंट के या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के, तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा इसको। और इसमें लगभग 3500 से ज़्यादा जाने गई थी, है ना, इसके पहले, है ना, तो जो इस सारी चीज़ों को एंड करने के लिए ये आपका गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या फिर द बेलफास्ट एग्रीमेंट साइन किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने कहा है कि वो हे फीवर को, हे फीवर HAYFEVER हे फीवर को ख़त्म कर देंगे। अब हे फीवर क्या है? एक पॉलन एलर्जी है, इट्स अ पॉलन एलर्जी दैट अफेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जापानीज पॉपुलेशन, तो याद रखिएगा हे फीवर इज़ नथिंग बट अ पॉलन एलर्जी विच अफेक्ट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जापानीज पॉपुलेशन, एंड ये फ्यूमियो किशिदा ने कहा है कि ये हे फीवर जो है एक सोशल प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दिस हे फीवर, है ना, तो आप याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। तो आज काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, पहले तो मैंने अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन सारी चीज़ें आपको बताई, इसके बाद हमने बेलफास्ट एग्रीमेंट के बारे में जाना, हे फीवर के बारे में जाना, है ना, और स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में जाना और बालिकतान एक्सरसाइजेस के बारे में जाना, ठीक है ना। तो आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, ठीक है, तो जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वहीं बताऊंगा मैं, जो अभी न्यूज़ मैंने बताई वो अलग अलग 4-5 न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ हमको बहुत जगह से मिलती है, तो इस न्यूज़ एनालिसिस में आपका बहुत सारे सोर्स कवर हो जाएंगे, तो आप यू नीड नॉट टू वरी अबाउट अदर सोर्सेस। इंडिया मस्ट बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंडिया के थोड़ा सा बोला है कि भैया बहुत स्कोप है इम्प्रूव करने का, वो आप कर लो, है ना। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, अगर आप देखें तो हमारी रैंकिंग 2014 में 142nd रैंक पे थे और 2019 में हम 63rd रैंक पे हैं। आपके लिए सवाल है कि इस साल हमारी लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी क्या रैंकिंग है, आई थिंक यही वाली रही होगी क्योंकि शायद एक बार हम हट भी गए थे, तो आप बताइए मुझे लेटेस्ट कौन सी है, है ना, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू। इंडिया की रैंक जो रही है अभी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अब यहाँ पर जो दूसरी रैंक ऑथर ने बोली वो है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो हमारी 163rd रही है, इंडिया की रैंक 163rd रही है इन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हालांकि ये इम्प्रूवमेंट है बट अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच का एक फॉर्मल एग्रीमेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो पार्टीज़ के बीच का फॉर्मल एग्रीमेंट, उसको इन्फोर्स करना ज़रूरी है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो इन्फोर्स नहीं होता, तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट से हमारी रैंक बहुत पीछे है, मतलब कि डिस्प्यूट्स आए हैं, अब डिस्प्यूट्स अगर आए हैं तो
डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हुआ होगा तभी हम पीछे हैं इस चीज़ में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करने में, है ना। वहीं पे दूसरी कंट्री जैसे कि ब्राज़ील, मेक्सिको और वियतनाम, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। अब ऑथर का यही कहना है कि हम अगर चाहें, हम चाहते थे अपने आप को एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाना, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतने स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं कि इंडिया को एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया की वो जगह कौन ले चुका है, सिंगापुर ले चुका है। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला भी है कि सिंगापुर टुडे हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर बिकमिंग एन ऑनलाइन फॉर बिकमिंग एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हब, है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सिंगापुर विच ओपन्ड इट्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इस सिंगापुर ने तो अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी खोल रखा है जिसका नाम है द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, है ना। एंड जब हम अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन कर रहे थे 1990s में, तब ये आर्बिट्रेशन सेंटर उन्होंने ओपन कर दिया था। एंड दे हैव इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब एंड हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट इंडियन कंपनीज़ खुद इंडिया के आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो खुद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन का यूज़ करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं इंडिया की क्या कंडीशन है। तो ऑथर ने बोला कि देखो अब ये आर्बिट्रेशन में हम पीछे तो हो गए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में, तो हम आगे कहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑथर ने कहा आगे हम हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स में। अभी भी इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड हम अभी भी इमर्ज कर सकते हैं एज अ फ्रंट रनर इन द ODR यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें अभी भी हम फ्रंट रनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन हियर द केसेस ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होता है, देर आर मेनी एडवांटेजेस टू दिस। इट कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट्स, इट कैन सेव टाइम, इट कैन सेव कॉस्ट, इट कैन प्रोवाइड इफेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड वही वाली बात है कि ODR में सिर्फ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन है, केस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटेड केस फ्लो हो सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, स्टैम्पिंग होती है, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन कैन बी यूज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज। एंड यहाँ पर हम बहुत ही आगे हो सकते हैं ODR में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, ठीक है ना। एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स तो वैसे भी ऑनलाइन मैकेनिज्म से बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं अपने, है ना। एंड हम भी अगर हम चाहें तो उसको फॉर्मल एक सिस्टम दे सकते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। और इसके लिए लेकिन ऑब्वियसली बात है जुडिशरी को और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, है ना। तो जुडिशरी एंड गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब बॉडीज़ को भी आगे आना पड़ेगा, इन सब इंस्टीट्यूशंस को भी आगे आके दे नीड टू लीड द वे। अब कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे ऑथर ने बताए, 3 स्टेप्स कैन बी कंसीडर्ड। पहला ऑथर ने कहा है कि इंसेंटिवाइज द यूज़ ऑफ ODR, आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के यूज़ को इंसेंटिवाइज करो। कैसे कर सकते हो, एक तो फास्ट ट्रैकिंग ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ODR आउटकम्स, मतलब इसको फास्ट कर दो प्रोसेस को। दूसरा एग्जेम्प्ट, रिड्यूसिंग द स्टैम्प ड्यूटी एंड कोर्ट फीस, या तो एग्जेम्प्ट कर दो कोर्ट फीस या स्टैम्प ड्यूटी, या भी रिड्यूस कर दो फॉर द टाइमिंग। सेकेंड इसने कहा है कि सॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जैसे कि कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है अगर मान लो, तो वो थोड़ा ऑब्वियसली बातें करना पड़ेगा। आधार केंद्रास जो हैं उनको आप ODR कियोस्क के रूप में यूज़ कर सकते हैं, है ना, ODR सेल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एक डेडिकेटेड फंड ही आप या तो बना सकते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 3 आप कर सकते हैं, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट शुड एक्सप्लोर ODR एज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ODR का यूज़ करना चाहिए फॉर रिड्रेसिंग द फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ऑल, है ना। एंड प्रोएक्टिव यूज ऑफ ODR बाय गवर्नमेंट एंटिटीज विल नॉट ऑल इंक्रीज ट्रस्ट इन द प्रोसेस बट ऑल्सो इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव एक्सेस टू कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद द गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम दे सकते हैं अपने यूजर्स को। अभी भी टाइम नहीं गया है ODR के लिए, ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल है द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब एक कोट है वुड्रो विल्सन का, उन्होंने कहा था इट इज़ नॉट फार फ्रॉम ट्रूथ टू से दैट कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन।
कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस इन पब्लिक एग्जीबिशन वाइल द कांग्रेस इन कमिटी रूम इज द कांग्रेस एट वर्क एंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट सीम्स टू हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम एंड जियोग्राफी. तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ये स्टेटमेंट जो है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है, कि जो हम पार्लियामेंट्री सिटिंग्स देखते हैं वो तो एक नाटक का एग्जीबिशन का हिस्सा है, लेकिन असलियत जो काम होता है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में होता है, वो कमिटीज़ में हो रहा है, ठीक है ना. तो ऑथर ने यहाँ पे कुल मिलाकर के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का महत्व बताया है. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या हैं? दे आर पैनल्स मेड अप ऑफ एमपीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डील विद सिचुएशंस, सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें टेकअप करते हैं, सम स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड ऑल, है ना. लेकिन ये जो समय है पॉलिटिकल रैंकूर एंड पोलराइजेशन का, द पब्लिक प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सीम्स टू रिफ्लेक्ट सीरियस फॉल्ट लाइंस. ऑथर का कहना है कि जो हमारा ये समय है, जो प्रोसीडिंग्स हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं. पहला तो इट डज नॉट अलाउ एनी डिलिब्रेशन. आज के टाइम में कोई भी डिलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट नहीं हो रहा है ना. जैसे कि आप देखें तो ये 17th लोकसभा में 14 बिल हैं जो कि रिफ़र किए गए हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है ना. PRS के डेटा के हिसाब से 25% से भी कम बिल्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन के बाद रेफर होते हैं कमिटीज़ को 16th लोकसभा में, और ये आंकड़ा 15th एंड 14th लोकसभा के टाइम पे 71% और 60% था. मतलब 71% बिल्स जो थे वो रेफर होते थे एंड 60% रेफर होते थे. अब ऑथर ने कहा है कि इवन दो द स्ट्रक्चर्ड कमिटी सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, इंडिविजुअल कमिटीज वर बींग फॉर्म्ड फॉर वेरियस रीजंस एज फार बैक एज इंडिपेंडेंस टाइम. जैसे कि बहुत सारी कमिटीज़ थी, ऑब्वियसली बात है अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही फॉर्मेशन ही देख लो, अगर उसमें ड्राफ्टिंग कमिटी ही नहीं होती तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनता. अगर वहाँ पे स्टेट्स कमेटी नहीं होती, रूल्स कमेटी नहीं होती, हाउस कमेटी नहीं होती, फंडामेंटल राइट्स कमेटी नहीं होती, बैकवर्ड रीजन्स के लिए कमेटी नहीं होती, तो दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कमिटीज़ सबसे बड़ी बात है कि दे गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन, दे कैन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इट, दे हैव मच मोर टाइम इन देयर हैंड. वो ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकल असेसमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन बाय द कमिटीज. एंड एक नया ब्रेन आपको मिल जाता है जो कि आपकी चीज़ों को एनालाइज करता है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी गलतियाँ और उसको क्रिटिसाइज कर सकता है. तो ये कमिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेजिस्लेशन को निखारने के लिए. ऑथर ने जैसे एग्जांपल दिया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, इट प्रिपेयर्स द इंटायर शेड्यूल फॉर बोथ द हाउसेज व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, है ना. तो आप समझ लो मतलब कितना वाला छोटा सा काम है कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो पेपर्स रखे जाते हैं सारे टेबल में है जहाँ पे पूरा शेड्यूल रखा जाएगा. अब वो दिखता बहुत छोटा सा काम है, लेकिन कितना ज़्यादा मतलब उसके पीछे ब्रेन डेलिब्रेशन और सब लगा होगा, है ना. तो देयर इज अ वेल ऑइल्ड मशीनरी ऑफ द मेंबर्स हु आर वर्किंग फॉर दैट एंड दे आर डेलिब्रेटिंग ऑन दैट, एवरी स्मॉल डिटेल्स आर बीइंग डेलिबर्ड अपॉन, है ना. वहाँ पे देखा जाता है कमिटीज़ में. तो हमारे पास आगे क्या ऑप्शन है? ऑथर ने कहा कि भैया जैसा US में कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी, वैसे इंडिया में भी करनी चाहिए, है ना. एंड हर बिल को मतलब बहुत ज़्यादा भी ना करें आप, लगभग 50-60-70% बिल्स लेकिन फिर भी ऐसे हैं जिनको आप रेफ़र करें और उसमें एक इंसाइट लें, है ना. अदरवाइज जो ये पूरा मैकेनिज़म है ये एक टूथलेस टाइगर के जैसा मैकेनिज़म हो जाएगा. एंड पार्लियामेंट्री को सिस्टम में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, वो हमको समझना पड़ेगा. अगला आर्टिकल है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इट्स फंक्शन एंड इट्स फ्यूचर. तो अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसको बनाया किसने है? इट इज़ बिल्ट बाय द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी कि CERN ने इसको बनाया है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना. एंड इट इज़ ऑन द एनर्जी फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स रिसर्च, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद हाईली एनर्जाइज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो यहाँ पे होता क्या है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हाईली एनर्जाइज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के. LHC में तीन शब्द हैं, लार्ज है, हैड्रॉन है और कोलाइडर है. तो पहला इन्होंने लिया है लार्ज, इट इज़ सो लार्ज दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. इट इज़ सो लार्ज दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट. सेकंड इन्होंने कहा इट इज़ अ कोलाइडर, मतलब कि इट एक्सेलरेट्स टू बीम्स ऑफ पार्टिकल्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड स्मैशेस देम हेड ऑन, है ना. कोलाइडर क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेट करता है दो बीम्स को, पार्टिकल्स की दो बीम रहती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनको एक्सेलरेट करता है. एक अगर वेस्ट से आ रही है तो दूसरी ईस्ट से आती है और उनको मतलब उनके बीच में टक्कर होती है, स्मैश होता है, तो कोलाइडर है. थर्ड है इसका कि ये हैड्रॉन्स है, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हैड्रॉन्स हैं. हैड्रॉन्स क्या होते हैं? एक सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल.
एंड द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर टिपिकली यूजेस प्रोटॉन्स, टिपिकली इसमें प्रोटॉन का यूज होता है, विच आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स. ठीक है ना, किससे बनता है प्रोटॉन? क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स से. तो उससे ये हेड्रॉन के रूप में प्रोटॉन का यूज किया जाता है. इट एनर्जाइजेस द प्रोटॉन बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू अ नैरो सर्कुलर पाइप दैट इज 27 किलोमीटर लॉन्ग. तो ये नैरो सर्कुलर पाइप है, 27 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, और वहां से फिर ये एक्सेलरेट होता है उसके अंदर. ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड कोलिजन होता है तो क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोलिजन? तो जब दो एंटी पैरेलल बीम्स एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स की कोलाइड करती हैं हेड ऑन, द एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी कैरीड बाय द टू पार्ट बीम्स. है ना, तो जो दो बीम्स एक वेस्ट से आ रही थी एक ईस्ट से आ रही थी, जब ये टकराएंगी तो इन दोनों की एनर्जी जुड़ जाएगी. Thus far, the highest center of mass collision energy of the LHC has achieved is 13.6 TeV, yani ki tera electron volts, 13.6 tera electron volts. This is less energy than what would be produced if you clapped your hands once, hai na? To energy halanki isse bhi kam hai, lekin the feat is that the energy is packed into a volume of space and size of a proton. Lekin ye energy, ab ek proton ki size mein agar band hai, to energy density bahut zyada ho jayegi iski. है ना, हालांकि आप देखेंगे तो ये एनर्जी आपकी क्लैपिंग से भी कम है, 13.6 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. लेकिन जब ये आप प्रोटॉन की साइज में पैक कर देंगे इस एनर्जी को, तो फिर इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और जब ये कोलिजन होता है तो क्योस की कंडीशन आती है, एनर्जी अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहती है, एंड ये पार्ट्स जो हैं कोलिज करते हैं और नए पार्टिकल्स बनाते हैं. इसी कारण इन्हीं प्रोसेस से जो पार्टिकल बनाता है हिग्स बोसॉन का, अगर आपको याद हो हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो था वो इसी प्रोसेस से 2012-13 बनाया गया था. ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है बहुत ही आगे जा सकता है इन द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट. आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कोप इंडिया 2023 ये एक्सरसाइज याद रखिएगा. कोप इंडिया, अगर आपसे कोई पूछता है किसके बीच हो रही है, तो इंडिया और यूएसए के बीच हो रही है. ठीक है ना, इंडिया और यूएसए के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज हो रही है. आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आज़ाद रेफरेंस ओमिटेड इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब में मौलाना आज़ाद का जो नाम है वो ओमिट कर दिया गया है. एंड ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जामिया मिलिया के फॉर्मेशन में उनका रोल था. इनफैक्ट जो 1956 में जो कॉलेजेस शुरुआत में खुले थे IITs एंड IIMs, उनमें बहुत बड़ा रोल था उनका, है ना. जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्रेडिट दिया इस चीज़ का, बट हिज नेम हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम दैट. That is the first thing, and NCERT ने इसका जिक्र भी नहीं किया था. आगे देखते हैं, US Aviation Watchdog retains India's safety category after review. तो अभी रिसेंटली इंडिया की एयरलाइंस का सेफ्टी रिव्यू हुआ था, उसमें वहाँ की एक बॉडी अमेरिका की इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट. ठीक है ना, याद रखिएगा इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है वहाँ पे FAA का. ठीक है ना, वहाँ पे FAA नाम की बॉडी है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसका प्रोग्राम है इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी प्रोग्राम. उसके अंतर्गत वो अलग अलग सेफ्टी रेटिंग्स और ये सब प्रोवाइड करता है, और इसमें अभी इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया है. कैटेगरी 1 मतलब कि ऐसी कंट्रीज जो कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO है उसके रूल्स फॉलो करता हो और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स लेता हो अपने एविएशन के लिए, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया था. तो 2018 में इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया था, अभी फिर से रिव्यू किया गया और फिर से इंडिया को कैटेगरी 1 में रखा गया है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.